कुछ तस्वीरें देखें। नमस्ते चीनू, इधर आओ। आओ चीनू, मिलकर ये तस्वीरें देखते हैं। नमस्ते मीनू। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? इसमें बड़ा मजा आएगा। इस तस्वीर को देखो, मैं यहाँ दादी माँ को देख रही हूँ। यह पिताजी और यह माँ है। मीनू, पर इसमें हम दोनों तो हैं ही नहीं। हाँ चीनू, इस तस्वीर में तो हम दोनों दिखाई ही नहीं दे रहे। ओ ओ, यह क्या हुआ? ऐसा क्यों? चलो माँ से पूछते हैं। वे जानती होंगी कि हम क्यों नहीं हैं। माँ, 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 आप कहाँ हो? देखो माँ, इस तस्वीर को देखो। इसमें मैं और चीनू तो है ही नहीं। इसमें आप सभी हैं। हम कहाँ हैं? अरे तुम तस्वीर में कैसे हो सकते हो? उस समय तुम दोनों पैदा जो नहीं हुए थे। ओह, हम तब पैदा ही नहीं हुए थे। कितनी हंसी आती है। हम यह क्यों नहीं सोच सके? अब मुझे पता चला कि हम तस्वीर में क्यों नहीं हैं। ओहो, मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। चलो अब और तस्वीरें देखें। अरे देखो, ध्यान से देखो, इसमें एक छोटा बच्चा भी है। अरे हाँ, ये तो बहुत छोटा है, जो माँ की गोद में है। वह बच्चा कौन है? यह तुम हो मीनू। यह तस्वीर तब की है जब तुम्हें पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे। तुम्हारे जन्म पर हम सब बहुत खुश थे। नमस्ते बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम पुरानी तस्वीरें देख रहे हो। अरे इसमें तो हमेशा मजा आता है। अब मीनू, मुझे भी तस्वीरें दिखाओ। ओ मीनू, कितनी प्यारी बच्ची है। मुझे आज भी तुम्हारे जन्म का दिन याद है। हमारे घर में सब कुछ बदल गया। एक बच्चे के जन्म से घर में बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। दादी माँ, इन तस्वीरों को देखकर मजा आ रहा है। मगर दादी माँ, बच्चे के जन्म पर घर में चीजें बदल क्यों जाती हैं? चीजें कैसे बदलती हैं दादी माँ? बहुत तरह से मेरी बच्ची। छोटा बच्चा अपने आप कुछ खा नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता। माँ को ही पूरा समय बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। ओह, तो माँ को मेरी देखभाल में अधिकांश समय लगाना पड़ता था। हाँ मीनू, तुम्हारे पिताजी और मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत समय बिताना पड़ता था। हमें तुम्हें भोजन कराना होता था, नहलाना होता था और गंदा होने पर साफ भी तो करना होता था। छी, गंदी मीनू, गंदी। तुम भी ऐसे ही थे चीनू। गंदे चीनू, गंदे। ठीक है ठीक है, मुझे पता है, मैं भी एक बच्चा ही तो था। और इस तस्वीर को देखो, माँ एक छोटी लड़की और एक नन्हे बच्चे के साथ है। चीनू, यह छोटी लड़की मीनू है और यह नन्हा लड़का, अरे ये तो तुम हो। यह तस्वीर तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद ली गई थी। मीनू तुम्हें बहुत प्यार करती थी और अपना सारा खाली समय तुम्हारे साथ बिताती थी। वह कभी भी तुम्हारे पास से नहीं हटती थी। अरे वह तुम्हें उठाकर चारों तरफ घूमती रहती थी। अरे वह भी तो छोटी बच्ची ही थी
और मुझे चिंता रहती थी कि वह तुम्हें ठीक से पकड़ भी पाएगी या नहीं। चीनू देखो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी, मैं कितनी अच्छी बहन हूँ। अच्छी बहन तभी तक थी जब मैं छोटा बच्चा था, अब तो तुम मेरे साथ लड़ती रहती हो। ओहो, अरे अब मेरी बात सुनो। चीनू अन्य छोटे बच्चों की तरह ज्यादा समय सोता ही रहता था। तुम्हारे माता पिता को अपना अधिकतर समय तुम्हें खिलाने, नहलाने और तुम्हारा ध्यान रखने में ही बिताना पड़ता था। मीनू को अकेलापन महसूस होता था, कभी कभी उसे जलन भी होती थी। अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वह रोने लगती थी और फिर मैं उसके साथ खेलने लगती थी और वह खुश हो जाती थी। दादी माँ, मीनू आप सबका ध्यान खींचने के लिए रोया करती थी, बहुत गलत बात है मीनू। हो चीनू, सभी बच्चे ऐसा करते हैं, तुमने भी ऐसा ही किया है। अगर मैं मीनू के साथ ज्यादा समय बिताती थी तो तुम आकर मेरी साड़ी खींचने लगते थे, और तुम अभी भी तो यही कर रहे हो। मगर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बच्चों का ध्यान रखना अच्छा लगता है। बच्चों को चलते, बातें करते और छोटी बातें सीखते देखने में बड़ा मजा आता है। नमस्ते शीला, शीला जल्दी आओ, हम कुछ पुराने तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अब अगली तस्वीर देखो, आओ देखिए इसमें कौन है। क्या हुआ शीला, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। नमस्ते मीनू। नमस्ते चीनू। मैं अभी श्यामा से मिली, उसने बताया कि वह कोलकाता जा रही है। वह वहाँ छुट्टी बिताने जा रही है? नहीं चीनू, उसके पिताजी का तबादला हो गया है, तो उनका परिवार कोलकाता में रहने जा रहा है। वह अपने माता पिता और भाई के साथ जा रही है। ओह नहीं, श्यामा कोलकाता जा रही है? वह कब जा रही है? क्या वह कल ही जा रही है? नहीं, वह कल नहीं जा रही, उसके माता पिता का यहाँ कोई काम अधूरा है, वे इस काम को खत्म करके ही जाएंगे। काम? कैसा काम? ओ वह, श्यामा ने बताया कि उन्हें बहुत काम है, सारा सामान बांधना है। उन्हें हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य को बताना है कि श्यामा और उसका भाई अब विद्यालय नहीं आएंगे। ओह, तो वे अब विद्यालय नहीं आएंगे? कोलकाता जाकर वे क्या करेंगे? क्या वह अब दूसरे विद्यालय में पढ़ेंगे? हाँ चीनू, उसे अब कोलकाता के विद्यालय में दाखिला लेना होगा। ओह, तब तो उसे नए विद्यालय में जाना होगा। कोलकाता कौन कौन जा रहे हैं? श्यामा, उसका भाई, उसकी माँ और पिताजी सभी कोलकाता जा रहे हैं। उसकी दादी और दादाजी यही गांव में ही रहेंगे। तो वे सब यही रहेंगे? शीला, अब श्यामा को कैसा लग रहा है? क्या वह कोलकाता जाने में खुश है? नहीं मीनू, श्यामा अपने पिता के तबादले से खुश नहीं है, वह कोलकाता नहीं जाना चाहती। वह कोलकाता नहीं जाना चाहती? मगर क्यों? क्योंकि वह अपने गांव
और अपने दादा दादी को छोड़ना नहीं चाहती। वह हम सबको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। मुझे पता है वह जरूर उदास होगी, मगर उसके सभी मित्र उसके साथ कोलकाता तो नहीं जा सकते ना। मगर उसके दादा दादी उसके साथ कोलकाता क्यों नहीं चले जाते? कोलकाता में उनका घर बहुत छोटा है चीनू, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए जगह नहीं है। बड़ा घर लेने के बाद ही श्यामा के पिताजी उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। और असल में श्यामा के दादा दादी भी इस गांव को छोड़कर कोलकाता नहीं जाना चाहते। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा होगा अगर चीनू और मीनू के पिताजी शहर में नौकरी करेंगे तो। मैं भी उन्हें यही कहूंगी, मैं पूरी जिंदगी इसी गांव में रही हूँ, इस उम्र में अपने जानने वाले सभी लोगों को छोड़कर मैं शहर में नहीं रह सकती। मुझे गांव की ताजी हवा और शांत जिंदगी पसंद है। शहर में बहुत प्रदूषण होता है और जिंदगी की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। तो क्या शहर की जिंदगी बुरी है दादी माँ? नहीं चीनू, ऐसा नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि शहर की जिंदगी अच्छी है या फिर गांव की। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे और बुरे हैं। हर एक को अपने बारे में निर्णय लेना होता है, उन्हें स्वयं अपनी भलाई सोचनी पड़ती है। ठीक कहा दादी माँ, मगर पहली बार जब कोई शहर या गांव में आता है तो वह उदास होता है, क्योंकि वह अपने मित्रों की कमी महसूस करता है। शीला, अगर श्यामा उदास है तो हमें चलकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। आओ अब चले। नमस्ते श्यामा, तुम कैसी हो? श्यामा, शीला ने हमें बताया कि तुम कोलकाता जा रही हो। क्या तुम्हारे पिताजी का तबादला कोलकाता हो रहा है? सभी को मेरा नमस्ते। हाँ मीनू, मेरे पिताजी का तबादला कोलकाता हो गया है, इसीलिए हम जल्दी ही वहाँ चले जाएंगे। शीला ने बताया कि तुम उदास हो, क्यों श्यामा? क्या तुम्हें कोलकाता जाना अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपना गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती। मैं अपने दादा दादी और तुम सबको याद करूंगी, मगर मेरे पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। श्यामा खुश हो जाओ, उदास मत रहो। वहाँ तुम नए विद्यालय में जाओगी और तुम्हारे बहुत से नए मित्र होंगे। तुम हमें पत्र लिखना और हम भी तुम्हें पत्र लिखेंगे। पर मैं दादा दादी जी और तुम दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। नई जगह पर मेरा मन कैसे लगेगा? अगर मुझे जगह पसंद ना आई तो क्या होगा? श्यामा ऐसा मत सोचो, तुम्हें नई जगह पसंद क्यों नहीं आएगी? हमें नई चीजें अपनानी चाहिए। नई जगह पर जाकर तुम्हें अलग अनुभव मिलेगा, पर कुछ चीजें यहाँ से अच्छी भी होगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हो सकती। तो बुरा महसूस मत करना, तुम नई जगह को धीरे धीरे पसंद करने लगोगी। खैर तुम छुट्टियों में तो आया ही करोगी, तब हम खूब खेलेंगे। आओ अभी मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो चलकर तस्वीरें देखें, मुझे भी तस्वीरें देखना पसंद है। हाँ
यह तस्वीर देखो। अरे, इसमें माँ और पिताजी ने नए कपड़े पहने हुए हैं। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों ने मालाएं भी पहनी हैं। माँ कितनी सुंदर दिख रही है। अरे बच्चों, यह तुम्हारी माँ और पिताजी की शादी की तस्वीर है। देखो तो, तुम्हारी माँ और पिताजी कितने जवान दिख रहे हैं। वे शादी के कपड़ों में कितने सुंदर दिख रहे हैं। दादी, शादी में क्या होता है? क्या शादी के बाद माँ आपके घर पर आ गई थी? हाँ चीनू, तुम्हारी माँ की तरह हर एक लड़की शादी करके अपने पति के घर आकर रहती है। अच्छा, तो लड़की शादी से पहले अपने माता पिता के घर पर रहती है? हाँ चीनू, जैसे ये सभी छोटी लड़कियाँ जो अभी अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। दादी, तो क्या मीनू भी शादी करके चली जाएगी? हाँ बेटा, शादी में खुशियाँ मनाई जाती हैं। सभी खुश होते हैं, वे नाचते और गाते हैं, और शादी के बाद लड़के के परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है, यानी लड़की अपने पति के घर पर आ जाती है। सभी को उसके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उसका ठीक से ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी शादियाँ पसंद है दादी माँ। शादी में हम अच्छा भोजन कर सकते हैं। मगर मीनू, मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता। तुम शादी मत करना, ठीक है? मगर चीनू, तुम तो हमेशा मीनू से लड़ते रहते हो। मैं सोचती थी कि मीनू के जाने से तुम खुश हो जाओगे। नहीं दादी माँ, मैं मीनू को भेजना नहीं चाहता। दादी माँ, मीनू को तंग करने में मुझे मजा आता है। मैं नहीं चाहता कि वह हमें छोड़कर जाए। अरे हाँ चीनू, मैं जानती हूँ तुम मीनू को बहुत प्यार करते हो। अरे भाई, मैं तो तुम्हें यूं ही छेड़ रही थी। और तुमने यह कैसे सोचा कि अगर मीनू हमें छोड़कर जाएगी तो क्या मैं उदास नहीं होंगी? मगर एक दिन तो वह शादी करके जाएगी और अपना परिवार बनाएगी। अरे भाई, मगर हम अभी से इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो मीनू हमें कई साल तक नहीं छोड़ेगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी माँ? पिछले सप्ताह सीमा की शादी हुई है। वह सिर्फ 13 साल की है। मीनू 9 साल की हो चुकी है। क्या इसकी शादी भी जल्दी ही हो जाएगी? नहीं नहीं चीनू, लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले और लड़कों का विवाह 21 साल से पहले नहीं हो सकता। कानून द्वारा शादी की कम से कम उम्र यही है। मगर कई लड़कियों का विवाह उम्र से पहले ही हो जाता है। अगर उनके माता पिता उनकी शादी कर दें तो वे क्या करें? कोई जबरदस्ती किसी की शादी नहीं कर सकता। अगर शादी के लिए लड़की से जबरदस्ती की जाए तो वह पंचायत या पुलिस में शिकायत कर सकती है। उसकी सहेलियां भी शिकायत कर सकती हैं। मगर तुम मीनू की चिंता मत करो, हम उसका विवाह जल्दी नहीं करेंगे। अरे भाई, अभी तो उसे पढ़ना है, वह डॉक्टर बनना चाहती है। हम सब उसका साथ देंगे। मीनू, ध्यान से पढ़कर डॉक्टर बनो, इसके बाद भी पढ़ती रहना। मगर क्यों चीनू? ताकि तुम हमारे साथ बहुत सालों तक रह सको। अच्छा चीनू, मैं पढ़ती रहूंगी और इस घर में तब तक रहूंगी जब तक मेरा छोटा भाई बड़ा होकर पिताजी जैसे नहीं बन जाता, ठीक है? धन्यवाद मीनू, तुम सबसे अच्छी बहन हो। और दादी माँ, जब मीनू शादी करना चाहेगी तो अपने गांव में ही
या पड़ोस के गांव में कोई अच्छा लड़का देख लेंगे। इस तरह वे हमारी नजदीक ही रहेगी। और अगर मीनू को हमारे गांव में कोई लड़का पसंद ही ना आया तो? ओहो दादी माँ, चीनू बस भी करो, तुम अभी से शादी की बात क्यों कर रहे हो? मैं खूब पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अपने गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। मैं भी गांव के लोगों का ध्यान रखूंगा, मगर मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। मैं अपने गांव और पड़ोस के गांव में सबको पढ़ाऊंगा, तब सभी लोग पढ़ और लिख सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, तुम्हें हमेशा लोगों की सेवा करनी चाहिए। हाँ दादी माँ, हम करेंगे। कल मैं गांव में एक लड़की से मिली, उसकी शादी हुई है और वह हमारे गांव में आई है। वह केवल 13 साल की है, अब वह विद्यालय में पढ़ना चाहती है। क्या हम उसे अपने विद्यालय में ले चले दादी माँ? क्या उसका परिवार उसे पढ़ने की अनुमति देगा? जरूर मीनू, तुम उसे अपने विद्यालय में ले जा सकती हो। अगर उसका परिवार अनुमति ना दे तो हम चलकर उनसे बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वे समझ जाएंगे, उसे विद्यालय में अवश्य पढ़ना चाहिए। आज मैंने एक बात सीखी है। वह क्या है मीनू? मैंने सीखा कि परिवार बदलते रहते हैं और परिवार के सदस्य 2 बार बढ़ते हैं। 2 बार? कब? कैसे? एक जब शादी होती है और दूसरा जब कोई बच्चा जन्म लेता है। लेकिन किसी परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाती है जब लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है ना दादी? तुमने ठीक कहा चीनू। दोस्तों, क्या तुम्हारे विद्यालय में दूसरे गांव या नगर से आए नए मित्र हैं? क्या तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो? दोस्तों, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बदलाव आया है? क्या हाल ही में तुम्हारे परिवार में कोई शादी हुई है? क्या तुम्हें छोटी उम्र या 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का विवाह करना सही लगता है? अगर नहीं तो सबको बताओ और समझाओ। क्या तुम वाक्य को सही या गलत बताने में तितली की मदद करोगे? बच्चे के जन्म पर परिवार में कोई बदलाव नहीं आता। गलत। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को संभालने में मदद करते हैं। सही। सभी लोग शहरों में रहना चाहते हैं। सही।
गलत। शहर और गांव के जीवन में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां हैं। सही। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। सही। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। सही। न्यूनतम आयु सीमा से पहले विवाह के लिए जोर देने पर बच्चे पंचायत या पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। सही। आओ इन्हें मिलाने में हम बस की मदद करें। नवजात शिशु, दांत नहीं होते, लड़कियां विवाह नहीं कर सकती, अठारह वर्ष से पहले। लड़के विवाह नहीं कर सकते। इक्कीस वर्ष से पहले।
परिवार के सभी सदस्यों को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। परिवार का आकार बढ़ता है। जब बच्चे का जन्म होता है या विवाह होता है, क्या अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दें? दोस्तों, तुम अपनी पुस्तिका में लिख भी सकते हो। बच्चे के जन्म के पश्चात परिवार में सब कुछ कैसे बदलता है? नवजात शिशु कुछ खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, अर्थात अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए माँ, पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को संभालने में मदद करते हैं। कानून के अनुसार विवाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक और लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा से पहले विवाह होने पर वे क्या कर सकते हैं? वे गांव की पंचायत या पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। परिवार का आकार कब बढ़ता है? परिवार में बहू आने पर और किसी बच्चे का जन्म होने पर परिवार का आकार बढ़ता है। दोस्तों, तुम अपने मित्रों के साथ इन प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हो। क्या तुम्हारा छोटा भाई या बहन है? परिवार में छोटा बच्चा आने पर तुम्हें कैसा लगा था? क्या तुम्हारे विद्यालय में कोई नया विद्यार्थी आया है? उसे कैसा लगता है?
क्या तुम्हारे गांव में कोई नया व्यक्ति आया है? क्या तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो? तुमने किस कक्षा तक पढ़ाई की है? क्या तुम सहमत हो कि विवाह के लिए कम से कम आयु निश्चित होनी आवश्यक है? तुम्हारा क्या विचार है? जीवन में बदलाव से आनंद आता है या कठिनाई? अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। अलविदा।